Hello friends, welcome to new vlog. Today we are going to a fun fair event. वहाँ पे हम लोग ढेर सारे dishes try करेंगे. I will try to interact with all the सारे homemade foods होंगे वहाँ पे. ये देखिए आद्या भी रेडी है. आद्या क्या खाओगी वहाँ जाके? And right time, Nishant will also be joining with us. Ido, say hi. कोशिश करेंगे सारे स्टॉल्स का रिव्यू लेने के लिए. सारे लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने स्टॉल्स के बारे में कुछ बताए. काउंटर नंबर 11 पर ये पहला स्टॉल जो है ये कुछ खाने का नहीं है. वेज पुलाव दिस इज ऑफ एसके कारपेट्स फ्रॉम मिर्जापुर. काउंटर नंबर 12 जैसा कि आपका पांडे जी ने सेकंड स्टॉल है बीएसएस. ये उड़ीसा का स्टॉल है. ये हमारा उड़ीसा का ट्रेडिशनल पीठा है. मैडम क्या क्या है डिश थोड़ा बता दीजिए एक बार. इस पे कैमरे पे ये रिकॉर्ड रहेगा. आलू चॉप की चटनी है, काकरा है और आलू दम है. ये सारे उड़ीसा के डिश है. तो इस स्टॉल पे स्टॉल नंबर 2 पे आपको उड़ीसा के फेवरेट डिश मिलेंगे. हम लोग बढ़ते हैं स्टॉल नंबर 3 की तरफ. काउंटर नंबर 9, 10, 11, 12 के बीच में होकर आगे बढ़ते हुए जिससे आपको माता पिता साड़ी के काउंटर नजर आएगा जहाँ साड़ी सूट और धोती आपको उपलब्ध होती है. मैडम कुछ बताइए क्या क्या डिश है, कहाँ का डिश है? कप केक है, चॉकलेट केक है, दही वड़ा है, कॉर्न चाट है और मंचाओ सूप. सारे हेल्दी खाना. ओके, सारे होममेड. सारे होममेड. एगलेस नो एग. नो एग. एगलेस केक कप केक सब एगलेस है. स्टॉल नंबर 4 तीखा मीठा. क्या क्या है मैडम इसमें? मूंग की दाल का हलवा. मूंग की दाल का हलवा है. एंड इधर है ब्रेड रोल है, सांभर बड़ा है. खाइए भैया, खाइए, टेस्ट करिए आप लोग. ये देखिए बहुत ही सुंदर इन्होंने एक हैवी आइटम आप लोग इसका आनंद उठा सकते हैं. स्टॉल नंबर 9 क्या? नहीं नहीं, 6, 7, 8 कुछ और है. और यहाँ पे बच्चों ने खेल लगाया है. मार के वहाँ तक पहुँचाना है. क्या करना है इसमें? इसमें ये बॉल है, यहाँ पे पानी भरा, पानी जो बॉल है इसको लोगों के यहाँ तक. ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको इसको क्रॉस करा कर लाना है लास्ट तक. हाँ वही लास्ट तक लेके जाना है तो आपको 50 रुपए ना हो गया. इस गेम का नाम टच हो जा रहा है. क्या नाम है इस गेम का? बज वायर. आपने कितना बार ट्राई किया? दो बार में दोनों. दो बार से क्या होगा बच्चों को? और ट्राई करिए आप. 10 बार ट्राई करिए. मेरे को पता है 10 बार ट्राई करने के बाद भी ये नहीं कर पाएंगे. आपने ट्राई किया हो जाएगा. गुड, चलो नेक्स्ट स्टॉल जो है स्टॉल नंबर 10. ये सॉल्स का है नहीं? ये
क्या क्या अवेलेबल है आपके शॉप पे जी? क्या क्या अवेलेबल है आपके शॉप पे? कहाँ से आया? कलकत्ता से आया है। कलकत्ता का सब जितना भी सामान है हैंड वर्क का सामान है, सारे हैंड वर्क, सारे हैंड वर्क कपड़े का कलर का एकदम ग्रांडेड होम वॉश, कभी भी कलर नहीं जाएगा कपड़े में, कुछ रवा आ जाती है ना तो पहनने के बाद वो कभी भी नहीं है। डबल बेड की चलता है, सिंगल दीवान सेट कुर्ती पीस सब कुछ मेरे आप हम लोग का वीडियो बना रहे हैं। स्टॉल नंबर 11 वेज बिरयानी, दाल बड़ा, काली बड़ा। सर यहाँ पे हमारे क्या चल रहे हो भाजी? तो ये अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ ये एक्चुअली ठंडा हो गया भाजी अवेलेबल है, भाजी एक ये दे दो, एक ये वाला 130 है। काफी मेहनत है इस काम में, इस काम में क्या इट्स नॉट एन इजी टास्क। देखिए यहां क्या पकोड़ा है, ये देखिए ले आए। ये दाल बड़ा है, दाल बड़ा स्पाइसी दाल बड़ा। इस स्टॉल पे सबसे ज़्यादा भीड़ है बिकॉज समझ लो आप गोलगप्पे बड़े अभी तक सबसे ज़्यादा भीड़ इसी स्टॉल पे देखा गया है, स्टॉल नंबर 13, बिकॉज यहाँ पे गोलगप्पे हैं, लोगों को आज भी गोलगप्पे ही खाने हैं। स्टॉल नंबर 14 यादव मिष्ठान, इनके पास मसाला डोसा है और क्या क्या है? मसाला डोसा, पनीर डोसा और रसमलाई। ओके रसमलाई है, स्वीट्स। ओके थैंक यू सर। इसमें सर यावर असन पर आपका हार्दिक स्वागत है, यहाँ पर बट्टी चोखा और पापड़ी चाट आपका इंतजार कर रहा है। और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। उलहड़ वाली चाय, ये सबसे बेस्ट स्टॉल है मेरे लिए, और कॉफी इज हियर। क्या क्या है मैडम यहाँ पे? क्या क्या अवेलेबल है बताइए? कॉफी है, चाय, पॉपकॉर्न है। कॉफी, चाय, पॉपकॉर्न, कुल्हड़ वाली। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा है। ये स्टॉल नंबर 17 पे आप देख सकते हैं, क्या बुरा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए चिकन बिरयानी, क्या क्या मैडम स्टॉल पे? फ्राई इडली, सांबर बड़ा, इडली सांबर है और गुलाब जामुन। प्रसाद भगवान को ये बच्चों का गेम का है, स्टॉल नंबर 19। गेम्स स्टॉल नंबर 20। पैकिंग
बहुत सारे मटेरियल निकालना पड़ेगा। मैडम यहाँ क्या अवेलेबल है? हड़ा हड़ा बना है साउथ इंडियन अड़ा, इट्स अड़ा केरला स्पेशल। केरला स्पेशल डिश अवेलेबल इन बरगवा एंड काफ़ी सस्ता रेट पे 30 रुपीज़ ओनली। और केले के पत्ते पे ये सर्व किया जा रहा है। मैडम केले के पत्ते पे सर्व करेंगे? नहीं नहीं नहीं, अब नॉर्मल प्लेट में एक्सक्लूसिव के लिए रखा है पार्सल के। ओके, ये बच्चों का खेलने का, ये सेकंड स्टॉल है जिस पे सबसे ज़्यादा भीड़ है। बताइए साहब, आप फूड काउंटर छोड़ के यहाँ क्यों खड़े हैं? फूड काउंटर छोड़ के यहाँ क्यों खड़े हैं? साथ में खड़ा होना पड़ेगा स्टॉल। दिस वन अगेन स्टॉल नंबर 22 पॉप द बैलून डार्ट गेम। हेलो, क्रिएटिव स्पेस स्टॉल नंबर 23। मैडम यहाँ पे क्या है बताइए, क्या अवेलेबल है बताइए? एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज मेड बाय मी। दिस इज गोंदा, दिस इज लिपिन वर्क, दिस इज मिरर विद लिपिन, दिस इज डॉटेड मसाला, दिस इज अ सेंटर पीस टेबल के लिए, एंड ये बाकी सारी वॉल हैंगिंग। ये जो गमले आपने लगाया है उसका रेट बताइए। 600 का वन पीस है, 600 का एक पीस, और वो बगल में बुद्धा जो है 400 का एक है, 400 का एक है ना। हाँ। अगर दो लेंगे तो कुछ डिस्काउंट? सर सही रेट है, रेट सही है, रेट सही है, रेट सही है। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा है। उससे बड़े भी है, क्या रेट है? 400। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। बोरोसिल, मिल्टन, सेलो, फिलिप्स के सभी आइटम है, और वो भी होलसेल प्राइस में।